सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बीजेपी में शामिल होने के बाद महावीर फोगाट ने एमएचपी न्यूज से खास बातचीत की। द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं। महावीर जी, आपने जेजेपी के साथ छोड़कर बीजेपी अपना ली, आपका एक लंबा एसोसिएशन था क्योंकि आप पहले INLD के साथ जुड़े रहे, उस परिवार के साथ जुड़े रहे, फिर जेजेपी बनी तो जेजेपी में आप रहे, अब जेजेपी को छोड़कर बीजेपी क्यों? देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो लोकसभा चुनाव से पहले जो पुलवामा हमला हुआ था उसका तुरंत जवाब दिया पाकिस्तान को, उग्रवादियों को, और जो जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A, ये कोई हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ये सोच नहीं सकता था, और ये विपक्षी भी जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते ये कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अमित शाह ने जो ये काम करके दिखा दिया, तो ये तो जो एक भगवान के समान है, इनको तो भगवान लंबी उम्र दे, और देश ने तो वो दिन दूर नहीं जो दुनिया के अंदर एक नंबर पर ले जाकर छोड़ेंगे। क्योंकि आप चुनावी माहौल में ज्वाइन कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, जो पार्टी को जिम्मेवार देगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, नहीं तो पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे और जो हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको पार्टी मौका देती विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो वो हल्का कौन सा होगा, बाड़ा या फिर दादरी? देखो, ये फैसला भी जो पार्टी करे कौन सा हल्का चुनाव लड़ाएगी। आपकी अपनी कोई पसंद? मेरी अपनी पसंद है बाड़ा। तो कहीं ना कहीं महावीर फोगाट का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो उनकी जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाएंगे, और यदि पार्टी कहती है तो विधानसभा चुनाव वो बाड़ा से लड़ना चाहेंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, MHN न्यूज़, दिल्ली।